गर्ल इन द बॉक्स पार्ट टू। पार्ट वन की एंडिंग कुछ इस प्रकार से थी, जिसमें कैमरॉन और जेम्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें यह था कि कैमरॉन जो है स्टैन के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद कैमरॉन जो है वो एग्रीमेंट भूल के स्टैन का रेप करना शुरू कर देता है। थोड़े टाइम बाद वो दोनों लोग जो है नया घर भी ले लेते हैं, जिसमें स्टैन को जो है वो दोनों एक बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं, मतलब बेड के अंदर एक बॉक्स बनाता है। उसमें दिन के 24 घंटों में से 23 घंटों तक स्टैन जो है इस बॉक्स के अंदर ही रहती थी। कैमरॉन ने स्टैन से ये झूठी बात कही थी कि कैमरॉन जो एक सैटनिक ग्रुप का मेंबर है, जो ग्रुप स्टैन पे नजर रख रहा है, अगर स्टैन भागने की कोशिश करती है तो वो स्टैन को और उसकी फैमिली को मार देगा। वो बात से डरने की वजह से स्टैन कभी भागने की कोशिश ही नहीं करती, पर थोड़े टाइम बाद कैमरॉन उसको खुद ही अलाउ कर देता है कि वो जॉगिंग पे जाए, गार्डन जाए, उसके माँ बाप से मिलने जाए। स्टैन अपने माँ बाप को ये बताते हैं कि कैमरॉन उसका बीएफए और स्टैन उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन एक फोर्सफुल एक्ट था और कैमरॉन अपने दिमाग में ये चला रहा था कि वो अब स्टैन के साथ शादी कर लेगा, जिस बात को जेन सुन के बहुत ज़्यादा ही नाराज थी। तो वो एक स्टेप उठाती है जो होता है कि वो स्टैन की हेल्प करती है भागने में, जबकि उसको पता था कि कैमरॉन उसको मार देगा तो भी वो ये काम करती है, और डर के मारे वो सारी चीज़ें पुलिस को बताती है, और तब जाके कैमरॉन जो है अरेस्ट हो जाता है और उसको 105 साल की सज़ा मिलती है। बॉक्स से बाहर निकलने के बाद स्टैन के गले में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसके वो अपने घर जाने बाद बहुत सारी थेरेपीज भी लेती है। उसके बाद उसने एक अच्छे लड़के के साथ शादी की, उसकी एक छोटी बेटी भी है, और अब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम करती है जो गर्ल एब्यूज को रोकती है।